एनबीसी 24 बिहार में प्रारंभ हो रहा है। समाचार चैनल पूरी शुभकामना है इस नए वर्ष में 2021 जो सबके लिए अच्छा रहेगा। और ये चैनल निर्भीक और स्वतंत्र होकर के बिहार के सभी वर्ग सभी समाज के लोगों का और बिहार के तरक्की उन्नति में सहायक भूमिका अदा करेगा और बिहार की आवाज़ बनेगा, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ सपना सिन्हा। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बड़ा बयान दिया है, काफी बड़ा ऐलान जो है उन्होंने किया है। ये सुनकर देशवासी काफी खुश होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन फ्री में देशवासियों को दी जाएगी। जी हाँ, वो कोरोना जिसने पिछले एक साल से हमारी जिंदगी में तबाही मचा दी है, ऐसा लगता है मानो हमारी जिंदगी को एक अलग ही मोड़ दे दिया है। इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा हमें, उसकी वैक्सीन का इंतजार पिछले एक साल से हम कर रहे हैं और अब जब ये मौका आ रहा है, वैक्सीनेशन आ रही है, तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री का इतना बड़ा ऐलान देशवासियों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा होगा। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर देश भर में ड्राई रन भी की जा रही है। पटना में कोरोना वैक्सीन के 3 स्थानों पर डेमो ड्राई रन के बीच बड़ी खुशखबरी आई है। ये ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका ऐलान किया है। इस बीच पटना के 3 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन का डेमो ड्राई रन चल रहा है। शास्त्री नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र, फुलवारी शरीफ PSC और दानापुर अनुमंडल अस्पताल में डेमो किया जा रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आज वे फुलवारी शरीफ सेंटर पर पहुंचे और वहां वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लिया। कोरोना वैक्सीन का डेमो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है। डेमो हो जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को आधे घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। बेतिया और जमुई में भी कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन चलाए जा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने देश के लोगों को नववर्ष का बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया कि बिहार सहित पूरे देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। बिहार चुनाव में BJP ने इसे मुद्दा बनाया था और कहा था कि सरकार बनी तो बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त दिया जाएगा। उधर दिल्ली में भी 3 सेंटरों पर ड्राई रन चल रहा है। खुद पूरी स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आज देश के 116 जिलों के 259 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ड्राई रन का जायजा लिया और कहा कि हमारी वैक्सीन का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी 3 करोड़ लोगों को ही फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। इनमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर शामिल है। बाकी प्राथमिकता सूची में शामिल 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक वैक्सीन दी जाएगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा बिहार के प्रदेश मीडिया प्रभारी। NBC के तमाम दर्शक को नए वर्ष का हार्दिक शुभकामना देता हूं और क्रिसमस का भी हार्दिक शुभकामना देता हूं। धन्यवाद और साथ में NBC के पूरे टीम को आने वाले साल के लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। NBC 24 सच की ताकत।